यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब बनकर ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। ऐसा कहना है इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का, जो अपनी सच्ची लगन और अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर आ पहुंचे हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश भी बनाए तो वो भी वो दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स प्रत्येक दिन लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं, और कहा जाता है कि बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर रुपया बांटे तो हर एक के हिस्से में करीब 5000 रुपए आ जाएंगे। बिल गेट्स का वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स थे, जो कि एक मशहूर वकील हुआ करते थे। उनके माता पिता उनके लिए लॉ में करियर बनाने का सोच रहे थे, लेकिन बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर और उनके प्रोग्रामिंग भाषाओं में बहुत ज्यादा रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेक साइड स्कूल में हुई। लेक साइड स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीखने और उसे और अधिक जानने के लिए स्कूल की तरफ से कंप्यूटर दे दिया गया, जिससे बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि और बढ़ने लगी। बिल को कंप्यूटर सीखने से ज्यादा ये जानने की रुचि थी कि आखिर ये काम कैसे करता है। कुछ साल कंप्यूटर की जानकारी होने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में बेसिक कंप्यूटर की भाषा में एक टिक टैक टू नाम का प्रोग्राम बनाया, जो कि एक तरह का गेम था। इसमें खास बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति उस गेम को कंप्यूटर के साथ खेल सकता था, मतलब उस गेम को खेलने के लिए दो लोगों की आवश्यकता नहीं थी। स्कूलिंग के समय ही बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। कंप्यूटर की मिलती धारणाओं और विचारों की वजह से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जबकि दूसरी तरफ उनके स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिला करते थे। पॉल एलन बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन बिल गेट्स थोड़े चंचल भाव के थे। बिल गेट्स के स्कूल वालों ने उन्हें और उनके दोस्त एलन को कंप्यूटर लैब में जाने से रोक दिया, क्योंकि वो दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करते थे। बाद में फिर से दोनों को इस शर्त में लैब में आने की इजाजत मिल गई कि वे प्रोग्राम में एरर निकालेंगे। इसी समय गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, जो स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आया। सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और एलन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था। उन्हें इस प्रोग्राम के लिए $20,000 मिल गए, जो इनकी पहली कमाई थी। 1973 में वो लेक साइड स्कूल से पास हुए, उसके बाद आते ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन बिल गेट्स ने 1975 में बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दिया और अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया और देखते ही देखते कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बिल गेट्स की संपत्ति में भी उनके बच्चों का कोई हक नहीं होगा। बिल कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन कमाई के लिए उन्हें अपने रास्ते खुद निकालने होंगे। गेट्स को बचपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, और आज वो गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए हर साल करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। गेट्स ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उनका हमेशा से ही यही मानना था कि गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है। दोस्तों, बिल गेट्स को लेके आपके मन में क्या विचार आते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या हम उन्हें अमेरिका का टाटा कह सकते हैं? अगर हाँ तो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।